10 मार्च से कुल्लू के चंद्रखणी जोत पर ट्रैकिंग पर गए इंजीनियर कॉलेज के लापता छात्रों को तलाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले 4 दिनों से इन छात्रों को तलाश करने के लिए स्थानीय ट्रैकर्स समेत आईटीबीपी के जवान भी लगे हुए थे, लेकिन लगातार बारिश व बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। दोपहर बाद मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से इस क्षेत्र की रेकी की गई थी, जिसमें इनके फुटप्रिंट से दिखाई दिए थे, जिसके बाद लगातार हेलीकॉप्टर से रेकी की गई और 8 में से 6 ट्रैकर्स को निकाला गया, जिसमें एक की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। डीसी कुल्लू ने बताया कि बाकी 2 ट्रैकर्स अभी भी पीछे कहीं किसी गुफा में सुरक्षित हैं, जिन्हें मौसम साफ होते ही वहां से निकाल लिया जाएगा। सुबह जब उन्होंने देखा तो कुछ फुटप्रिंट्स नजर आए चंद्रखणी के आसपास, तो अभी जो है 3 बजे के बाद जो है दोबारा मौसम साफ हुआ, फिर ट्राई किया तो वहाँ वो 6 लोग जिंदा नजर आए। फिर हमारी उम्मीदें जग गई और फिर प्रयास किया, अभियान चलाया, तो 6 लोगों जो है सुरक्षित यहाँ उतार दिया गया हेलीकॉप्टर द्वारा, और 2 जो है वो भी सुरक्षित है, उनको भी जैसे मौसम साफ होगा उनको भी एयरलिफ्ट करके लिया जाए। चंद्रखणी में फंसे छात्रों को निकालने में प्रशासन को जिस तरह कुदरत की चुनौती का सामना करना पड़ा, उससे प्रशासन के पास आधुनिक उपकरणों की कमी साफ नजर आई। भविष्य में इस तरह के मामलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए शासन को इस ओर ध्यान देना होगा। मनविंदर, TV100 कुल्लू।